Wow. This is interesting. राजीव खंडेलवाल एक बार दोबारा टीवी पर कमबैक कर रहे हैं क्योंकि वो फिल्में नहीं करना चाहते. Nothing has changed. कुछ नहीं बदला. जानते हैं जब मैं टीवी से अपनी पहली फिल्म आमिर कर रहा था तब भी ऐसे लिखा गया था, राजीव अब फिल्में कर रहे हैं. क्योंकि वो टीवी नहीं करना चाहते, उन्होंने टीवी छोड़ दिया. उसके बाद जब मैंने दोबारा टीवी किया तो उन्होंने कहा कि राजीव ने अब फिल्में छोड़ दी क्योंकि वो टीवी दोबारा करना चाहते. फिर टीवी के बाद मैंने दोबारा फिल्में की तो बोला कि राजीव ने दोबारा टीवी छोड़ दिया क्योंकि अब वो फिल्में करना चाहते हैं. अरे छोड़ दो ना यार, मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ. ऐसे ही होता है सेलिब्रिटीज के साथ. सेलिब्रिटीज बोलते कुछ हैं, लोग समझते कुछ हैं और बाहर कुछ और ही आता है. यू नो सेलिब्रिटीज की लाइफ जो है वो हमेशा लाइमलाइट में रहती है, लेकिन कभी कभी लोगों को उन्हें गलत लाइट में प्रोजेक्ट करने में बड़ा मजा आता है. इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा शो होस्ट करूं जहां मैं सेलिब्रिटीज की रियल लाइफ में उनकी रियल लाइफ आपके सामने रखूं. वो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, उनके संघर्ष क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं, उनके कहने का मतलब क्या है, क्यों ना हम उन्हीं से जाने. तो इसीलिए ये शो मैं होस्ट कर रहा हूं और आज जज्बात बहेंगे एक ऐसी अदाकारा के जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ज्यादा चर्चित है, बहुत अच्छी अदाकारा है, लेकिन उनकी एक्टिंग, उनका टैलेंट, उनकी पर्सनैलिटी का एक बहुत ही छोटा सा पहलू है. She is amazing as an actress. मेरे फैमिली मेंबर्स आपका शो हमेशा देखते हैं. उनके साड़ी का चॉइसेस, ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छे लगते हैं. एक आइडियल बहू हो तो मैं भी ऐसे चाहूंगा कि इन फ्यूचर मेरी मम्मी को अगर बहू रहेगी तो आप जैसी हो. एक्चुअली मैं कहूँ तो आप बहुत सुंदर लगते हो, बहुत ब्यूटीफुल लगते हो और साड़ी में तो क्या कहने आपके, आप बेमिसाल लगते हो. मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ. आगे कभी शादी करने का मौका मिले तो मैं आपसे करूंगा. मैम आपकी आप दीदी आदर्श बहू सबको, मुझे भी ऐसे ही बहू मिले. एंड आई थिंक आप सबके लिए एक परफेक्ट यूथ आइकॉन हो. मैम वी लव यू. वी ऑल लव यू. मध्य प्रदेश की शान, भोपाल की जान, वी लव यू. ये उनकी दीवानगी. सो प्लीज वेलकम द वेरी खूबसूरत एक्टर एंड अ वेरी खूबसूरत पर्सन, दिव्यांका त्रिपाठी दैया. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू. दिव्यांका मेरे सेट मोहन राजीव. वाओ, भारत के दिल की धड़कन. इस समय पूरे भारत के दिल की धड़कन मेरे सामने बैठी है. सीरियसली थैंक यू सो मच इस शो पे आने के लिए. बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा, मतलब पिछले एक हफ्ते से मैं सुनता रहा हूँ दिव्यांका के साथ जाओगे, दिव्यांका कैसे बात करोगे, बताना कैसे दिखती है, कैसी है रियल लाइफ में, कैसी है. और जैसा कि आप सोचते हैं बिल्कुल वैसी है, जो आप देखते हैं पर्दे पे उससे भी थोड़ी सी ज्यादा स्वीट होंगी. बट अच्छा मैं पूछना भूल ही गया कि क्या लोगी. कॉफी. कॉफी. ब्लैक कॉफी. ब्लैक कॉफी तो आ जाएगी, लेकिन आई डोंट नो, बट मेरी सास ने कहा था कि तुमसे पूछ लूं कि अगर तुम्हें कुछ खट्टा चाहिए तो खट्टा भी ऑर्गेनाइज किया हमने, क्योंकि इन दिनों मन करता है खट्टा खाने का. ऐसा तुम एक मिनट क्या बोलना चाह रहे हो? तुम प्रेग्नेंट नहीं हो? आजकल दुनिया में किसी का भी बेबी शावर होगा वो हमारा कहलाया जाता है, किसी का भी बेबी पैदा होता है अगर विवेक और मैंने उस बेबी को पकड़ लिया तो वो हमारा हो जाता है. सो एक्चुअली हम लोग यही कर रहे हैं आजकल, हम लोगों के बेबीज एंजॉय कर रहे हैं. आई नो, बट आपके बेबीज हो बहुत सारे खूबसूरत खूबसूरत, जितने भी आप चाहते हैं उतने बेबीज हो. बट अगेन दिस वाज अ रूमर. इट वाज अ रूमर ऑफ कोर्स. या दिव्यांका अब क्या करें आप, आपकी प्रॉब्लम भी तो नहीं, इतनी पॉपुलर हैं आप, इतनी बातें होंगी जितनी ज्यादा पॉपुलर हैं. सो एक सवाल जो मेरे दिमाग में आ रहा है, मुंबई जब आप आई, मुंबई आने के बाद कहाँ से सफर शुरू हुआ, पहला शो जो आपने किया? जी का पहला शो मुझे मिला था बनू मैं तेरी दुल्हन. एक्चुअली भोपाल फोन आया था कि आपको एक शो के लिए बुलाया जा रहा है और आइए आके ऑडिशन दीजिए. आई डिसमिस्ड इट. मैंने कहा
ऐसे कोई थोड़ी ना भोपाल में किसी भी लड़की को फोन करके बोलेगा, तो कोई ऐवे ही लोग होंगे, खराब से होंगे, नहीं जाना। फिर बार बार आते रहे फोन कॉल्स, तो फिर मम्मा थोड़े कन्विंस्ड हुए, पापा को बहुत कन्विंस करना पड़ा, एंड हम लोग ने सोचा कि चलो जाके देखते हैं, पापा तो होंगे, क्या खराब होगा, अगर कुछ खराब हुआ भी तो वापस आ जाएंगे। पर शो की हमने शूटिंग शुरू कर दी, प्रोमोज आने लगे, बस पे बड़े बड़े होर्डिंग्स लग गए, मुझे तब भी यकीन नहीं हो रहा था कि करोड़ों की जनता में इन्होंने एक दिव्यांका त्रिपाठी को बुलाया भोपाल से, ऑडिशन में चुना और दुल्हन बना दिया। करेक्ट, और आपने भी वो शो बना दिया। जो ऑडियंस हमें सुन रही है और देख रही है इस समय, मैं उनको बताना चाहूंगा कि कमाल है ना, देखिए जब माँ बाप सपोर्ट करते हैं तो दिव्यांका त्रिपाठी जैसे कलाकार पैदा होते हैं। जो पेरेंट्स थे उनके साथ में बचपन से ही आपका, आप यू वेरी क्लोज, बहुत करीब थे आप उनके? बहुत ज्यादा, मम्मी पापा मेरे बेस्ट फ्रेंड रहे हैं। मिस करती हूँ उन्हें? ऑफ कोर्स, मैं भोपाल मिस करती हूँ, मम्मी पापा को मिस करती हूँ। आई एम श्योर वो भी आपको बहुत मिस करते होंगे। आप जाना चाहती हैं कितना मिस करते हैं? देखिए वो रहे सामने। आम लड़कियों की जैसी तो थी ही नहीं, वो एकदम टॉन बॉय थी, वो पैंट शर्ट पहनकर और दिन भर हार्ड वर्क करना, और एनसीसी ज्वाइन किया, राइफल शूटर थी और पैरा सेलिंग, पैरा ग्लाइडिंग, ये सब चीजें की थी उसने। एक्चुअली वो आर्मी ऑफिसर बनना चाहती थी। एक बहुत अच्छी चीज मैं बताना चाहूंगी कि दिव्यांका छोटी थी, 9th class में थी, लेकिन बहुत स्ट्रांग थी। और हम लोग एक फिल्म देखने गए, तो आमतौर पर क्या होता कि जो लेडीज वाली लाइन वो छोटी रहती थी, तो उसको फिल्म उसमें लगा देते थे कि चलो टिकट्स तुम लेकर आना। तो जब वो लाइन में लगी हुई थी तो किसी ने पीछे से उसके हरकत करने की कोशिश किया, तो इसको लगा कि जिसने भी, या तो धोखे से हुआ तब तो कुछ नहीं, अगर उसने जान के किया तो ये दोबारा मुझे टच करेगा, तो उसने धीरे से हाथ पीछे रख लिया, और जैसे ही उसने टच किया तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया जोर से। अब वो घबरा गया और उसने जैसे खींचना शुरू करा, ये पूरा खिंचती हुई चली जा रही है, चली आ रही है पीछे खिंचते हुए, और ये खिंचती जा रही है, कहती मैं छोड़ूंगी तो नहीं आज इसको। पुलिस वाले आ गए और जिसने बताया कि सर ऐसा ऐसा हुआ, फिर उसको जो पिटाई की और पुलिस वाले पकड़ के ले गए। बेटी शान मध्य प्रदेश है, तो मैं ये कहना चाहूंगी बेटी मेरी मध्य प्रदेश की है एक्चुअली। अब वो उस चीजों से आगे निकल गई, मेरी बेटी है, संस्कार हमारे हैं, लेकिन अब वो भोपाल की, एमपी की, मध्य प्रदेश की बेटी कहलाई जाती है। क्या बात, लवली। हर बात पे उनकी आंखों में दोनों के ऐसा फक्र दिख रहा था, ऐसा कितने प्राउड होंगे, और खासकर जब उन्होंने इतनी मेहनत की, इतना कंट्रीब्यूशन किया उन्होंने आपके लाइफ में, और उसके बाद आज अपनी बेटी को देखते होंगे तो कितना कितना अच्छा महसूस करते होंगे। वन मोर थिंग, एक और चीज़ जो इसमें मेरी, विच कॉट माई अटेंशन वॉज, कोई भी इमेजिन नहीं कर रहा होगा, जब आंटी ने बोला कि जब आपने किसी लड़के का हाथ पीछे से पकड़ा और खींच के लेके गई, आप उम्मीद कर सकते हैं कि दिव्यांका ऐसा भी कर सकती हैं, वो ताकत कहाँ से आई थी? मैं ना महिला सशक्तिकरण में कुछ ज़्यादा ही विश्वास करती हूँ बचपन से। कोई मैं लगूंगी कि सॉफ्ट हूँ, फ्लेक्सिबल हूँ, प्यारी सी लगूंगी, मुस्कुराती रहती हूँ, लेकिन अगर किसी ने मेरा या किसी भी औरत का फायदा उठाने की कोशिश की, फिर उसे कोई नहीं बचा सकता, मैं काली माता हूँ फिर। सुन रहे हैं आप? बेवेर। तो मैं आपको एक बार फिर जिस बात पे हम चर्चा कर रहे थे, एक सेलिब्रिटी होना आसान नहीं होता, कि हमारी निजी जिंदगी बाहर पन्नों पर निकल कर आ जाती है। जिस किस्से की मैं बात कर रहा हूँ वो आपके सारे फैंस ने सब जानते हैं, यू नो, कि आपका एक बहुत लंबे अरसे तक एक रिलेशनशिप थी। आपके लिए वो हार्ट ब्रेक कितना बड़ा था? वो उस हार्ट ब्रेक ने दिव्यांका से क्या ले लिया? बहुत बड़ा सवाल पूछा राजीव। जाहिर सी बात है, जब कोई किसी रिलेशनशिप में होता है, मकसद यही होता है कि बहुत खूबसूरत चले दोनों तरफ से। यहाँ भी वही मकसद था। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि क्या कहूँ और क्या नहीं कहूँ। I'm sorry. हाय, जज्बातों वाला शो है जो है, जज्बातों को बहने दीजिए, कभी कभी कुछ
चीज़ों को निकाल देना चाहिए। और खासकर मैं जानता हूँ इस समय आप कैमरे के सामने, लेकिन कभी कभी उन लोगों को भी बता देना चाहिए कि हाँ मैं एक साधारण लड़की हूँ, मेरे पास में एक दिल है जो धड़कता है। I'm all heart. मुझे कई बार महसूस होता है कि मैं शायद बिना प्यार के रह ही नहीं सकती। मैं प्यार करने के लिए ही बनी हूँ और मुझे प्यार चाहिए है। बट एक मेरा अगला सवाल ये होगा कि क्या आपने कोशिश की उसे, जब आपको दरारें दिखने लगी, बहुत लंबा अरसा होता है, 8-9 साल एक काफी लंबा अरसा होता है। मैं शायद शुरुआत इससे करती हूँ कि मुझे अभी कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि मुझे अब ये समझ में आ गया है कि हर किसी की एक यात्रा होती है जिंदगी की, और आप अलग अलग लोगों से मिलते हो और उनसे मिलकर आप कुछ ना कुछ सीखते हो और आगे बढ़कर आप एक बेहतर इंसान बनकर निकलते हो, ताकि आप अपने अगले रिलेशनशिप में या अगले पहलू में कुछ बेहतर दे सको, कुछ बेहतर कर सको। तो ये शायद हम लोगों की ज़िंदगी का एक पड़ाव था जो हमने पार किया। इसे ऐसा ही होना था, सफ़र बस इतना ही था, शुरुआत इससे है। मतलब मुझे अब कोई दुख नहीं है, लेकिन उस समय ऐसा लग रहा था जैसे ज़िंदगी ख़त्म हो रही है। मैंने सब ट्राई किया, मैं पता है किस हद तक गई थी बताइए। मैं अंधविश्वास के लेवल पर चली गई। मैं इस लेवल पर चली गई कि मैं अजीबोगरीब लोगों से मिलने लगी। मैं उनसे मिलकर ये बातें करती कि सच में क्या किसी ने उस पर कुछ किया है, 8 साल के बाद ऐसा कैसे हो सकता है। एक समय आया जब मैंने कहा, अगर किसी का प्यार पाने के लिए इतना सब करना पड़े तो क्या ये प्यार है। उससे अच्छा आप अकेले रहो। सब बंद कर दिया। थोड़ा टाइम लगा पर मैं समझ गई कि नहीं, इट इज नॉट मेंट टू बी। अंधविश्वास बहुत गलत है, कभी इसमें फंसिएगा मत। आई वॉज लाइक बस स्टुपिड हो गई थी। क्या कहूँ मैं, हम लोग अपनी जिंदगी से ही सीखते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि जिंदगी जब वो लोएस्ट तक नहीं जाती ना, तब तक हमें कुछ बातें समझ में नहीं आती। आप तो एक एक्ट्रेस भी थी उस टाइम पे, मैं सोच सकता हूँ कि वो पब्लिक लैम्पलाइट, आप पढ़ भी नहीं अपने बारे में, इट मस्ट हैव बीन सो डिफिकल्ट। आपने कैसे डील किया, मतलब आई एम रियली सेइंग इट इन अ वेरी पॉजिटिव वे दिव्यांका, कि आपको अंदाजा नहीं कि आप कितनी स्ट्रांग है, बिकॉज इतना करने के बावजूद भी आप कैसे काम करती थी। आई रिमेम्बर वन सीन, इतना सिंपल सा सीन था। मेरे सीरियल में मुझे मेरे जो को एक्टर हैं उनके लिए एक रुमाल उठा के रखना था, और मैं कुछ प्यारी प्यारी बातें कर रही हूँ, हंसने मुस्कुराने वाला सीन है, एंड मैंने वो रुमाल रखा और मेरा रोना छूट रहा है, और मैं रो नहीं सकती क्योंकि सब लोग मुझे देखेंगे, फिर सोचेंगे कि क्या हो रहा है ये, मैं रो नहीं सकती। तो मैंने बीच में कट किया कि सर एक मिनट, वो मेरा हेयर का कुछ प्रॉब्लम है। आई जस्ट वेंट आउट, आई क्राइड, और फिर वापस आई स्माइल करते हुए, एंड आई जस्ट शॉट। थोड़ा मुश्किल हो जा रहा था उस समय, पर शुक्र है मुझे बीच में फ्रैक्चर हो गया। इट वॉज सच अ ग्रेट डिस्ट्रैक्शन, बिलीव मी, वरना उस फेस से मेरे लिए निकलना बहुत मुश्किल हो जाता। मुझे उस डिस्ट्रैक्शन की शायद ज़रूरत थी। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी दिव्यांका, आज आप यहाँ पर हैं, आई मीन ये अपने आप में कितनी इंस्पिरेशनल चीज़ है, दुनिया के लिए भी और आप खुद के लिए भी। मुझे तो आपसे प्यार हो गया ऑलमोस्ट, यार कमाल है। इतना दम, इतनी सोच, और इतनी सेंसिटिव, इतनी वल्नरेबल, ये आई थिंक एक जेन्युइन इंसान में हो सकती है। मैं यही दिखाना चाहता था कि हम सब के भी वही जज्बात है, यू नो, बट हैट्स ऑफ टू यू फॉर द सक्सेस, फॉर ऑल दैट यू हैव डन। और दिव्यांका, आप आज जैसे भी हैं, आप सब बोलते हैं दिव्यांका बहुत स्वीट है, दिव्यांका बहुत स्वीट है, मैं खुद बोलता हूँ दिव्यांका मेरे सामने बैठी है, और आप मुस्कुराती भी ज़रा अच्छी लगती हैं, तो हम इस जज्बातों से बाहर निकलते हैं और वो एवी की तरफ वापस जाते हैं जो हमने देखी थी। उसमें एक चीज मुझे, आपने एनसीसी किया, बीच में कहीं मैंने राइफल देखी, ये राइफल आपके पास में क्या कर रही थी?
सो मेरे पापा एनसीसी कैडेट रह चुके हैं, वो नेवी में सीनियर कैडेट कैप्टन थे. तो जब मेरी एनसीसी वाली एज आई, मैंने कहा मैं भी पापा की तरह कुछ करूंगी. सो रिपब्लिक डे कैंप वगैरह किया, तो वहीं मैंने ट्रेनिंग शुरू की राइफल शूटिंग की. आपने प्रोफेशनल राइफल शूटिंग की है? हाँ, काफी ज्यादा. हमारे पास में गन होगी क्या यहाँ पे? क्या हम गन का बंदोबस्त कर सकते हैं फटाफट? क्योंकि मैं वाकई देखना चाहूंगा. आई एम गोइंग टू शो इट टू यू. यस, वाकई एक अच्छी राइफल शूटर है. आइए. ये रही राइफल, वो रहा टारगेट. आ दिखा दो दुनिया को कि तुम कितनी बड़ी गोलीबाज हो. निशानेबाज, सॉरी, निशानेबाज हो सर. ये रही राइफल, ये रही तुम्हारा सेफ्टी ग्लास. तो लो और दिखा दो ये स्वीट दिखने वाले दिव्यांका के पीछे कितना बड़ा निशानेबाज छुपा है. किसी पे भी ऐसा एम नहीं करना है तुम्हें. सिर्फ पिंक वाले जो गुब्बारे हैं, जो बाहर के सर्कल वाले हैं, उनमें से किसी एक को फोड़ना. ओके. टैप. 10 on 10. ओके, दो छलांग मारते हैं. जो येलो वाला है, येलो वाले सर्कल में से किसी भी एक बलून. Very close. I mean, उसके उसको टच भी किया था उसने. Yeah. Let's go for the bullseye. पर जिस तरह से तुम मार रही हो, मुझे लग रहा है तुम ये शॉक भी देने वाली हो. I don't know. Let's see. लड़की ब्यूटीफुल कर गई. Unreal. This is unreal. तुमने कहा लास्ट, तुमने कहा परी गिरी. बहुत साल हो गए, बहुत बहुत. लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल. क्या बात है दिव्यांका, इतने सारे टैलेंट है तुम्हारी जिंदगी में. तुम्हारा हार्ट ब्रेक के बारे में हमने सुना, लेकिन एक बात बताऊं तुम्हें, तुम्हारी हार्ट ब्रेक की कहानी सुनने के बाद मैं जानता हूँ सब लोग बड़ा वेट कर रहे होंगे कि जो वो हार्ट मेक वाली कहानी थी वो कब सामने आएगी. जिस एक्चुअल गोली से, जो आंखों वाली, जो आंखियों से जो गोली मारने वाली बात होती है, उससे कौन घायल हुआ था जानेंगे हम. आप तो जानती हैं वैसे. जज्बात संगीन से नमकीन तक. समय आ गया कि हम उन्हें बुलाएं. दिव्यांका त्रिपाठी धैया में से, जो धैया नाम है वो कहां से आया, बुलाते हैं उन्हें. प्लीज वेलकम विवेक धैया. Sorry, Rajiv, we got a little carried away. Continue. I'm good. Thank you so much for coming on the show, Vivek. Please sit down. Thank you very much. कितने साल हो गए आपकी शादी को? अभी दो होने वाले हैं. आई होप ये प्यार हमेशा बरकरार रहे. थैंक यू. इट्स रियली रेयर टू सी यू नो अ कपल सो डीपली इन लव. कितना टाइम आप लोगों ने शादी से पहले साथ में बिताया? बहुत ही कम. जस्ट 3 महीने में हमने 1 महीना एक दूसरे को टटोला, आई लव यू बोलने के लिए हमने वेट किया, इंतजार किया है कि सच में ये है कि नहीं. हमने परखा अपने आप को. जब लगा तो एक अगले महीने इनके फैमिली से मैं मिली हूँ, और उसके अगले महीने ये मेरी फैमिली से मिले,
और अगले महीने हमारी एंगेजमेंट हो गई। दिव्यांका अपनी चरम पॉपुलैरिटी पे थी, यू नो, तो ऑफ कोर्स बहुत लोगों ने बोला था दिव्यांका फटक से शादी कर ली इसने। मन में था कभी यार मैं सुपरस्टार के साथ में यू नो शादी कर रहा हूँ और ये ऐसी बातें उठेंगी? एट अ वेरी इनिशियल स्टेज, हाँ, शुरुआत में मेरे यही कंसर्न्स थे जो उन्होंने एक्चुअली मोर देन हर बीइंग व्हाट काइंड ऑफ पर्सन शी इज, जो इनके साथ एक वो सुपरस्टार वाला जो बैगेज था, वो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेरा एक कंसर्न था। तो बट देन आई थॉट के यार व्हाई नॉट, व्हाट्स द हार्म, इट्स जस्ट दैट कि मैं इस लाइन में अभी आया हूँ, वो यहाँ पर 10 साल से, मैं एक्चुअली जानता भी नहीं था दिव्यांका को, सो मेरे लिए ईजी था आइडेंटिफाई करना एज अ पर्सन टू पर्सन, वन ऑन वन, अगर मैंने इनके शोज देखे होते। लेकिन जब शो पे आए थे आप, उस शो पे तो मतलब शी वाज, शी इज, पर मेरे सीन्स नहीं होते थे ना इनके साथ, वाइब तो मिलती ना सेट पे कि अरे यार दिव्यांका कौन है, दिव्यांका, हाँ, पर मैं जानता नहीं था, टू बी ऑनेस्ट मैं बिल्कुल नहीं जानता था दिव्यांका, क्योंकि स्मिटन नहीं आया। तो ये तो आपका था पॉइंट ऑफ व्यू। अब हमारे जिस तरह की सोसाइटी है उसमें ये भी होता है कि जो लड़के के माँ बाप होते हैं बोलते हैं वे अच्छी बहू बन पाएगी। हाँ, मैंने जब फर्स्ट टाइम बताया तो वो हैरान हो गए, मतलब उनको ऐसा लगा क्या इशिता, लाइक इट वाज अ बिग शॉक फॉर देम। जब धीरे धीरे बात पता चलनी शुरू हुई, मैंने कहा ऐसी ऐसी है, तो कहते हैं कि वो सामने से कैसी, हमें कैसे पता चलेगा कि वो एक्चुअल में रियल लाइफ में भी अच्छी है। सो दे सेड कि ठीक है हम मिलेंगे पहले देखेंगे। तो अभी पूछो इनसे कि इनका पूरा टेस्ट हुआ था बकायदा, मुझे बाहर डाल दिया था, मुझे कमरे के, आई वाज नॉट अलाउड टू एंटर इनसाइड। पापा और मम्मी बैठ गए कमरे के अंदर, हमने दरवाजा बंद किया और सवाल जवाब यही चलता रहा। और उनका जो सार था हर पूरे इस वार्तालाप का, वो ये था कि हमें एक बहू चाहिए है, हमें स्टारडम से कोई लेना देना नहीं है। और मेरा ये कहना था कि मुझे भी एक परिवार चाहिए जो मुझे मेरे स्टारडम के लिए नहीं, मुझे, मैं जो हूँ उसके लिए सराहे, मुझे मेरे अस्तित्व के लिए प्यार करे। और हमारे सवाल और जवाब थैंकफुली मैच कर रहे थे पूरी तरह से, जो उन्हें चाहिए था वो मैं थी और जो मुझे चाहिए था वो उनमें था। सब हो गया, डेढ़ घंटे की बातचीत के बाद इमेजिन उन्होंने सब क्वेश्चन पूछ लिए। फिर पूछते हैं कि अच्छा बेटा एक बात बताओ, एक फाइनल क्वेश्चन, ये जो आपने हमारे साथ डेढ़ घंटा बात की, ये आपने रियल बात की है कि एक्टिंग कर रहे हो आप? इमेजिन अब क्या आलम है। हाँ। पापा मम्मी का कभी कभी गलती से बोलते हैं अरे इश्ता बेटी ओ दिव्यांका, नहीं 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 नहीं, मुझे कभी भी नहीं हुआ ऐसा, हुआ क्या कभी? शुरू में आप जब मम्मी से बात करते थे फोन पे तो हाँ इशिता, अरे क्या करें असली नाम याद ही नहीं आता। फिर धीरे धीरे अब कैसे स्मूथ। दिव्यांका आपको क्यों लगता है कि मैं आपकी बात मान लूंगा, या जो हम जो दर्शक है हमारे वो आपकी बात मान लेंगे कि आप एक, कि आपके इन लॉज समझते हैं कि आप बहुत ही आइडियल बहू हैं? नहीं नहीं ऐसे हूँ नहीं। नहीं हम क्यों ना आपके रियल इन लॉज से ही सुन लें, लेट्स हियर इट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, देखें उनका क्या विचार है आपके बारे में। मैं शुरू से ये चाहता था कि विवेक को एक ऐसी लड़की मिले जो हमारे परिवार में घुल मिल जाए, जो सेल्फ रिस्पेक्टेड हो, हम्बल हो। एक दिन विवेक का फ़ोन आया अपनी मम्मी के पास कि मम्मी आप सबसे ज़्यादा किसको पसंद करते हैं? तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा मैं तो मेरे बेटे को सबसे ज़्यादा पसंद करती हूँ, मुझे सबसे अच्छा वही लगता है। कहता उसके बाद कहते वो दिव्यांका जो है ना त्रिपाठी, वो बहुत अच्छी लड़की, बहुत एक्टिंग और बड़ी प्यारी बच्ची है, वो बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो मम्मी चलो फिर आपको मिलवा देता हूँ मैं। तो विवेक ने हमें दोनों को वहाँ बॉम्बे बुला लिया और हमारी मीटिंग दिव्यांका के साथ फर्स्ट टाइम हुई। दिव्यांका से जब मैं फर्स्ट टाइम मिली, इतनी प्यारी और इतनी इनोसेंट लग रही थी कि उस, मतलब एक मिनट में मुझे पता लग गया कि ये मेरी बहू बन सकती है। दिव्यांका को हमारे वो सब पसंद है जो विवेक को पसंद है। एक चीज़ और भी बहुत पसंद है, जो मेरे हाथ का केक बनता है तो वो बड़ा खुश होके खाती है। आज दिव्यांका के लिए मैंने फिर केक तैयार किया है और आज हम फिर सब केक खाएंगे और सबको खिलाएंगे। वो बहुत खुश होगी जब उसको पता चलेगा। दिव्यांका जितनी सीरियल में आइडियल बहू है, उससे ज्यादा कहीं हमारे घर में परफेक्ट बहू है। इससे प्यारी जोड़ी हो नहीं सकती कोई, भगवान इनको लंबी उम्र दे। ये दिव्यांका बेटा, ये पहला स्लाइस आपके लिए। मम्मी से बात करा लो, पापा से बात करवा लो, सास से बात करा लो, ससुर से बात करा लो, अब एक ही बचे ननद, उनसे भी बात करवा लेते। प्लीज वेलकम
Rhea on the set. She's here. Oh. Hello. तुम? Oh. I thought you. अच्छा, हमें लगा तू अभी टीवी पे आने वाली है. Hello. Hello, hello. टीवी से बाहर निकल के आई हैं. Hi. I'm Rajiv. Rhea. Thank you so much शो पे आने के लिए. Thank you for calling. Yeah, it's a pleasure. और हम उम्मीद कर रहे हैं पूरी कि आप कम से कम कुछ सच्चाई बताएंगी, कुछ ऐसी बातें बताएंगी जो अब हम सुनना चाहते हैं इनके बारे में. प्लीज आइए और अपना स्थान ग्रहण कीजिए. ये तो बहुत बड़ा सरप्राइज हो गया. मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कोई मुझे दिव्यांका के बारे में अब वो बोलेगा जो मैं सुनना चाहता हूँ. आपको ऐसा लगा कभी जब, क्योंकि ऑफकोर्स एक भाई जब होता है तो भाई के साथ में एक बहन का रिश्ता हमेशा बहुत ही मजबूत होता है, एक डिफरेंट किस्म का रिश्ता होता है. जब ये आएंगे आपकी जिंदगी में तो आपको लगा कि मेरा भाई अब बट गया है? Let's be honest. Okay. So, ये कभी लगा था कि ऐसा शायद हो जाए, लेकिन अगेन कि जैसे भाभी आई, वो आई भाभी बन के, बट मेरा कम्फर्ट लेवल अब उनके साथ इतना है दैट शी इज मोर ऑफ अ फ्रेंड टू मी नाउ. तो मैं कुछ चीजें जो शायद भाई के साथ डायरेक्टली नहीं शेयर कर सकती वो वहां शेयर होता है. अच्छा, अब मुझे डायरेक्टली पूछना पड़ेगा, इनकी दो अनोइंग हैबिट्स बताओ मुझे. बोल दे. सो आई थिंक वन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब ये शाम को घर आते हैं तो इन्हें घर समेटना होता है, और बिकॉज वो ऑलरेडी स्लीप डिप्राइव्ड है तो हम ट्राई करते रहते हैं कि भाभी प्लीज़ जाओ सो जाओ, प्लीज़ जाओ, नहीं. बट नहीं, उन्हें पहले सारी क्लीनिंग करनी है, सब कुछ ठीक करना है, उसके बाद थोड़ा टाइम स्पेंड करना ही करना है, हमारे साथ बैठना है, और उसके बाद वो सोने जाते हैं. वो भी बहुत मुश्किल से हम भेजते हैं. और हाँ, और क्या अनॉय करता है आपको इनके बारे में? ऑनेस्टली मुझे कुछ अनॉय नहीं करता है. मैं क्या बोलूँ. दिव्यांका को आप अगर रेट करेंगी एज द वाइफ, दिव्यांका को आप 1 से 10 में कितने अंक देंगी? आई थिंक वाइफ शी इज 10/10. अच्छा, आपको लगता है कि इन्हें घर के सारे काम आते हैं? कुकिंग मेबी नॉट. मैंने बाय द वे वो जो 2 घंटे का सेशन हुआ था मम्मी पापा के साथ में, मैंने उसमें उन्होंने कई कंडीशंस रखी थी, मैंने साफ बता दिया था, देखिए मम्मी पापा मुझे खाना बनाना नहीं आता. शॉपिंग तो आती होगी, घर की शॉपिंग तो करती होगी. एंजॉय दैट, लेकिन मौका नहीं मिलता. कौन शॉपिंग करता है? वो भी वेट करती है. मैं करता हूं. एक्चुअली ही डज दैट. घर की शॉपिंग ये करते हैं. आपको आपत्ति नहीं होती है? एक ऐसा हस्बैंड जो कि इतना फॉरवर्ड थिंकिंग वाला है कि वो इन सब दखियानुसी बातों में ध्यान ही नहीं देता कि लड़का ये नहीं कर सकता, लड़की वो कर सकती है, ये सब बातें कुछ नहीं. वो घर भी संभाल सकता है, वो काम भी कर सकता है, वो बीवी की तरफ प्यार भी दिखा सकता है, फैमिली को भी बैलेंस करता है. एक औरत को और क्या चाहिए? आई एम अ हैप्पी वुमन. भाई बड़ा मुश्किल है दिव्यांका के अंदर कोई भी खामी ढूंढने का. हमने पूरी कोशिश की, हम ननद को भी यहाँ पे लिया, लेकिन हमें इनकी कोई खामी नहीं मिली. रिया, शो पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. हमारी इनके साथ में जज्बात है, वो जारी रहेंगे. आप थैंक यू फॉर कॉलिंग मी. बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच. बस बस, दिव्यांका घर पे मिलेंगे हम. बट एनीवे, ये सेगमेंट में भी आप दिव्यांका फुल नंबरों के साथ में पास हुई हैं. आज आप सारे के सारे जितने भी आपके इम्तिहान लिए हैं सब में आप फेल हुए. और विवेक, आपने जो दर्शक हैं उनके सामने बड़े अच्छे नंबर कमाए होंगे आपने, क्योंकि मैं भी ऐसा कभी कभी सोचता हूँ जो आपने बात कही कि ऐसा क्यों है कि हम एक बहू से ही सब कुछ एक्सपेक्ट करते हैं. आइडियल बहू क्यों का, आइडियल हस्बैंड क्यों नहीं कहते लोग, आइडियल दामाद क्यों नहीं कहते? क्यों ऐसा होता है कि हमेशा हमारे शहरों में अरे आइडियल बहू है, वही खाना बनाएगी, वही करेगी. देखिए, ये है हमारे सामने एक बहुत ही हैप्पी कपल, दिव्यांका विवेक. इतनी सारी बातें की, कई बार जज्बाती भी हुए, पर एक बात मैं जो आपसे अब पूछना चाहूंगा वो एक, आप जब आप काम नहीं कर रहे होते हैं आप घर चलाते हैं, क्या वो बैगेज कभी कुछ भारी हो जाता है जब नेबर्स या आसपास के लोग जब लोग कुछ बात करते हैं कि यार ये यू नो इसकी वाइफ काम करती है, ये इतना सक्सेसफुल नहीं है, कभी वो
वजन उस बैगेज का महसूस करते हो आप? आई वोंट लाई, ऐसा हो जाता है. देर आर इंस्टेंसेज जहाँ पे आप थोड़ा सा फील करते हो कि वाई डज द सोसाइटी हैव टू बी सो जजमेंटल. देखो बॉम्बे में लकीली बॉम्बे का कल्चर ऐसा है कि जो सराउंडिंग्स है मेरी वहाँ पर ऐसा कोई डायरेक्टली तो बात करता नहीं. सोशल मीडिया पे बहुत लोग सवाल उठाते हैं, जैसे हेटर्स बोलते हैं हम या बैशर्स बोलते हैं, उससे मुझे कभी कभी तकलीफ होती है क्योंकि वो मुझे जानते नहीं है. वो मुझे नहीं जानते कि मेरी लाइफ की क्या स्ट्रगल रही है बॉम्बे आने से पहले. बट देन कुछ मोमेंट्स के बाद आई थिंक ये रहता है कि यार इट डजंट मैटर. व्हाट मैटर्स टू मी इज माय फैमिली, माय वाइफ. मेरी वाइफ की आंखों में मेरे लिए रिस्पेक्ट कभी कम नहीं होनी चाहिए. तो आई थिंक दैट्स व्हाट कंपेनियनशिप इज ऑल अबाउट, कि एक दूसरे को सपोर्ट करें. और जैसे कि आई थिंक दिव्यांका ने पहले भी शो में बोला कि ऐसा क्यों होता है कि एक आइडियल हस्बैंड या आइडियल, वो स्टिग्मा क्यों अटैच्ड होता है, ऐसा क्यों है कि वो एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है. ऐसा क्यों नहीं बोल सकते कि एक सक्सेसफुल औरत के पीछे एक आदमी का भी हाथ हो सकता है या वो सेलिब्रेट कर सकता है एक साथ. क्या बात है विवेक, आई मीन यू ऑल्सो वन माई हार्ट यार. आई मीन इतनी यंग एज में इतनी मेच्योरिटी आना, इतनी बातों को समझना इज एक्चुअली काबिल तारीफ है. इतनी कमाल की केमिस्ट्री है आप दोनों की, इट्स रियली आई मीन नजर ना लग जाए, जैसे कि ये कहती है ना, नजर ना लग जाए. एक केमिस्ट्री टेस्ट लेता हूँ मैं, कोशिश करता हूँ यू नो जानने की कि आप लोग वाकई कितना जानते हैं, कितना समझते हैं दूसरे को. अब मैं जब आपसे सवाल पूछूंगा, अगर आपने सही जवाब दिया तो आप जिसने भी सही जवाब दिया वो दूसरे को किस कर सकते हैं. और जिसने भी दिव्यांका ने अगर गलत जवाब दिया तो आपके अलावा जो भी यहाँ सेट पे उनको किस कर सकते. हाँ चलो ठीक है, ओके. तुम्हें यू कांट अफोर्ड टू गो रॉन्ग. जवाब एक साथ देना है. ओके सही जवाब पप्पी, गलत जवाब पप्पी. फर्स्ट डेट की डेट मंथ. दिव्यांका का फेवरेट कलर 3, 2, 1 व्हाइट. आपको भी साथ में बोला था ना? अच्छा, वो तो आप बोलेगा व्हाइट, आप बोलोगे हाँ. नहीं पर सच में यू बोथ हैव टू आंसर टुगेदर. अच्छा यू हैव टू आंसर टुगेदर. ओके मूविंग फॉरवर्ड. तो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खतरनाक होने वाले हैं. दोनों में से खराटे कौन लेता है? मैं. बच गए. जम के. शिट मिस हो गया. दिव्यांका की सास का नाम 3, 2, 1 मंजू भैया. विवेक की माँ का नाम मंजू दैया. अरे दिव्यांका की मम्मी का नाम नीलम त्रिपाठी. मम्मा देखा ना मम्मी. नीलम मुझे लगा पापा का नाम पूछे तो मैं नरेंद्र. चलो एक एक हो गई मेरे खाते में, आगे बढ़ते हैं. पहली फिल्म जो आप दोनों ने साथ में देखी थी 3, 2, 1 एवरेस्ट. ओके आगे बढ़ते हैं. ये अच्छा डाइसी क्वेश्चन है. पूछ लूं? बहुत से लोग खुश हो जाएंगे. पूछूंगा तो चलो पूछ. बेबी का प्लान कर रहे हैं 3, 2, 1 अभी नहीं. अभी नहीं. सुपर करेक्ट आंसर. फेब महीने में कितने दिन होते हैं? 28. 29 भी होते हैं भैया, 4 साल के बाद 29 भी होते हैं. थोड़े से इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछो. 4 साल के बाद 29 होते हैं. मेरे खाते में 3 हो गए. मेरे खाते में 3 हो गए. अरे पर हमने साथ में 28 ही बोला. ओके वन लास्ट डिसाइडिंग क्वेश्चन. ओके इसका जवाब अगर आपने सही दिया तो मेरे खाते में आ जाएंगी. जज्बात के होस्ट का नाम क्या है? राजीव खंडेलवाल. मैंने कहा था मेरे खाते में आ जाएंगी अगर आपने सही जवाब दिया तो. नहीं, ओ, 4 ये रिमाइंड करके सुना दीजिए इनको. मैंने क्या कहा था? यही कहा था ना मैंने. क्या? अरे कि अगर आपने सही जवाब दिया तो मेरे खाते में 2 और आ जाएंगे. 5 हे भगवान हमें फंसाया जा रहा है. तुम किसके भूखे हो? ये 5 मेरी सास बड़ी खुश हो जाएंगी. ये तो ऐसे देती हूँ ना मैं. ये मेरी हाँ
एक्चुअली बोल दिया, ये राजीव की सास के लिए, ये राजीव की माँ के लिए, ये राजीव के नेबर के लिए, ये राजीव घर में जो काम करने आती है उनके लिए, और ये राजीव के फैंस के लिए. थैंक यू सो मच दीपा. फ्लाइंग किसेस लेने के बाद ये इजी था. हां, दैट वाज अ क्लेवर वन. ओके, सो नाउ वन क्वेश्चन. लोग बात करते हैं केमिस्ट्री की, ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री की. आपकी एक केमिस्ट्री जिस शो में ये भी थे वो बहुत फेमस है, बहुत चर्चित है, तो क्या ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री भी आपकी उतनी ही खूबसूरत है? अब मैं बताती हूँ. आई विल पुट इट टुगेदर. दरअसल हम दोनों बहुत ही विपरीत लोग हैं. वी आर टोटली ऑपोजिट. कहते ना, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर. हम लोग के फेदर एकदम अलग हैं. तो हम जब ऑन स्क्रीन आते हैं, हम कैमरे के सामने आते हैं, तो मे बी इसीलिए स्पार्क आता है, क्योंकि एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है. मैं बता रही हूँ, दोनों अलग पोल्स हैं. भले ही हमारे बीच में छोटा सा भी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो ऑफ स्क्रीन, हम लोग एक बार कैमरे के सामने आते हैं, हम दोनों एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा. एंड हम दोनों कभी इस हमारे बीच के डिफरेंस को कैमरे पे नज़र आने ही नहीं देते, क्योंकि हमारे लिए हम दोनों के लिए, दैट्स व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड. हमने कभी इस बारे में बातचीत नहीं की है, पर मुझे ऐसा लगता है कि करण भी ऐसा ही है, कि हम दोनों अपने काम की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं. ओके, तो अब हम धीरे धीरे करके अंत की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जाने से पहले जाने से पहले लेकिन एक चीज है, हम एक्टर्स हैं, हमारे बारे में बहुत कुछ लिखा जाता है, लोग बहुत सारी बातें करते हैं. आज एक मौका आपके पास में है, जो जो आप लोगों के ऊपर इल्जाम लगे, चाहे वो लोगों ने लगाए हों, चाहे वो यू नो, हालांकि मैं बहुत ज्यादा तवज्जो देता नहीं हूँ सोशल मीडिया पे किसी ने लगाया हो, यू नो, या मीडिया ने लगाया हो, आपके पास मौका है उनके ऊपर टिप्पणी देने का. तो हमारा एक छोटा सा सेगमेंट है खासकर आप दोनों के लिए, इसे कहते हैं झूठ का पिटारा. तो हम झूठ का पिटारा खोलेंगे, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा अपने हिसाब से. वेरी नाइस. कैन वी हैव द प्रॉपर्टी प्लीज? तो ये रहा आपके सामने हमारा झूठ का पिटारा. इसमें ऑफ कोर्स देख रहे हैं आप 9 एनवलप्स हैं, जिसके अंदर एक एक बात होगी. पहले विवेक उठेंगे, फिर विवेक आप उठेंगे, और पढ़ने के बाद में जो भी आपकी प्रतिक्रिया है वो आप बता दीजिएगा दुनिया को. चलिए दिव्यांका, आपकी बारी. 8 नंबर. क्या क्या हुआ है सर? दिव्यांका, आपको टी सीरीज फिल्म आजा मेरी जान दिल से पसंद है? आपको ये फिल्म पसंद है? थी पसंद. ये सो नहीं पाए, कितनी रात तक सो नहीं पाई थी इसके बाद. इनका क्रश था कृष्ण कुमार जी के ऊपर. बचपन में पसंद थे. आप उनकी फैन थी तो थी ना कल, आप उनकी हाँ, फैन थी. मुझे सारे गाने याद है. आजा मेरी जान तुमसे है प्यार, आज ही हमने धोए हैं कपड़े, आज ही हम नहाए हुए हैं. किशन जी आप देख रहे हैं, अगर जहां कहीं भी देख रहे हैं, देखिए कितनी बड़ी फैन है आपकी. विवेक आपकी बारी. आप एक बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव एक्टर हैं, और शादी के बाद आप प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा चूजी हो गए हैं. हाँ हाँ, लोगों के हिसाब से तो एक बार मैंने विमेन कैलेंडर शूट पे ये भी बोला हुआ है कि जब तक विवेक को आप नहीं लेंगे तब तक मैं शूट नहीं करूंगी, ऐसा र्यूमर बना था. और वो कैलेंडर पता किसका था? पेपर में आया था ये साड़ी का. और चूजी तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ. आई थिंक मैं अपने इनिशियल फेज में हूँ लाइफ के, इस करियर में. मुझे कुछ 4 साल हुए हैं बॉम्बे में. स्पेक्यूलेशन ऐसा है, मैंने ऐसा सुना है कि लोग सोचते हैं कि मैं बहुत एक्सपेंसिव एक्टर हूँ. मैं नहीं हूँ एक्सपेंसिव यार, ट्राई मी, जस्ट टॉक टू मी. और जो लोग ये भी समझते हैं कि मैं इतना सक्सेसफुल नहीं हूँ जितनी कि मेरी वाइफ है, तो वो भी मिथ मैं तोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ. 4 साल में जो मैंने हासिल किया है, आई थिंक आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट, और आगे भी ऐसा ही रहेगा. और मुझे हंसी आती जब लोग हम दोनों को कंपेयर करते हैं. मुझे हो गए हैं कई साल, जो मैं उस समय फेस करती थी वो ये आज फेस करते हैं. जो मैं अपने करियर की शुरुआत में 4th साल में सवाल पूछी थी वो इनके अब सवाल होते हैं. मैंने अपना एक अलग स्ट्रगल देखा है इनके, इनका अलग है, हमारी जर्नी अलग है. लोग कंपेयर कैसे कर सकते हैं दो अलग अलग लोगों को, ये समझ नहीं आता. yeah. आगे बढ़ते हैं दिव्यांका, आपकी बारी. Sure.
सवाल है, पहले आप विवेक से छुपकर केक खाती हैं। अनोइंग हैबिट जो इरिटेट करती है आपको, क्या थैंक यू याद दिलाने के लिए। उनकी इंसास इतने प्यार से बनाकर भेजती है तो वो क्यों नहीं? मुझे मुझे पता है इनकी वजह से मुझे कितनी प्रॉब्लम होती है जिम में। क्यों? क्योंकि ये कोई तो भेज देता है ये दिव्यांका के लिए केक लेके जाओ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि दिव्यांका तक पहुंचे ना, तो मुझे खाना पड़ता है छुपके। इट वॉज वंडरफुल क्वेश्चन दिमाग में था। आप बता दो पहले क्या किया आपने? ये इन्होंने नजर उतारी आप, हाँ, एक बार, ये हाँ। ऐसे करके नजर उतारने की इनकी पुरानी आदत है जो शुरू में मुझे थोड़ा सा मैं अनकंफर्टेबल होता था और थूक लगा दिया टाइम्स। हाँ, तो लेकिन अभी आदत पड़ गया, क्या करेंगे। मजा आ गया दोनों से बात करने में। दिव्यांका जाते आते ये बता दीजिए, क्या कभी मन में कभी ऐसा ख्याल आया या अब मुझे फिल्म करनी चाहिए, टीवी इतना बड़ा नहीं, इतनी फिल्में बड़ी हैं, ऐसा ऐसा मेरे पति के मन में ख्याल आता है, मन में ख्याल आता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए, कि आपको फिल्में करनी चाहिए। He feels that I'm capable of doing it. No, not just capable. That's not the word. I see a huge potential. और जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो भी इस चीज से सहमत होंगे कि she is meant for the big screen. पर दुनिया मुझे फिल्मों में देखना चाहती है। मैंने आज तक कभी फिल्मों के सपने नहीं देखे क्योंकि मैं खुश रहने वालों में से हूँ, जा रहती हूँ वहाँ पे अपनी खुशी ढूंढ लेती हूँ और उसको बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ। बट जब से विवेक ने बोलना शुरू किया है कि मुझे सोचना चाहिए इस दिशा में, हाँ मैंने भी अपना थोड़ा होराइजन अब वाइडन किया है। मैं सोच रही हूँ कि शायद ऐसा कुछ होना चाहिए अब, शायद वो। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत सारा काम करें, बहुत नाम कमाएं, आप फिल्में करें, आप टीवी करें, आप वेब करें, आपको जो मन करता है आप करें और हर चीज़ में सक्सेस मिले। विवेक, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी उतनी सक्सेस मिले जितनी कि आप जिसकी आप उम्मीद करते हैं और उम्मीद से भी कहीं ज्यादा आपको मिले। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। थैंक यू राजीव। सक्सेसफुल रिलेशन के पीछे की जो यू नो जो फॉर्मूला होता है या जो जो उसमें जाता है, आज आपने काफी लोगों को वो बताया होगा। थैंक यू सो मच इस शो पर आने के लिए। तो देखा आपने, रिश्तों की कामयाबी इससे तय नहीं होती कि कौन कितना कामयाब है, किसने कितने पैसे कमाए, कौन घर चला रहा है। रिश्तों की कामयाबी होती है किसने किसको कितना सराहा, किसने किसको कितना प्रोत्साहन दिया, कौन किसके लिए खड़ा रहा, किसने किसको ताकत दी। जिन रिश्तों में जज्बात होते हैं, बात उन्हीं रिश्तों में होती है। फिलहाल मैं आपसे लेता हूं विदा। अगले एपिसोड में एक और जिंदगी के साथ में मैं करूंगा जस्ट बात। तब तक आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। गुड नाइट।